नमस्ते दोस्तों, कैसे उम्मीद करते बढ़िया होंगे। हम लेकर आए नई वीडियो और नई जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आईएएस प्रतिभा जी के बारे में बताएंगे। प्रतिभा जी ने दोस्तों अपने तीसरे प्रयास में आईएएस परीक्षा पास की। उनका पहला प्रयास दोस्तों 2017 में था, जबकि यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने में वह असफल रही। यूपीएससी 2018 में उन्होंने दूसरा प्रयास किया। प्रतिभा वर्मा ने दोस्तों परीक्षा उत्तीर्ण की और वह 479वीं रैंक हासिल की और उन्होंने दोस्तों भारतीय राजस्व सेवा में आईआरएस में सेवा करने का मौका मिला। वह नागपुर के आयकर आयुक्त में रूप में तैनात हुई। हालांकि दोस्तों अभी भी उनका आईएएस बनने का लक्ष्य उनसे दूर नहीं था, इसलिए दोस्तों उस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने तैयारी के लिए आईआरएस से छुट्टी ले ली। उन्होंने दोस्तों अपने पिछले प्रयासों से अपनी गलतियों से सीखा और उसके बाद दोस्तों यूपीएससी की तैयारी में वह लग गई। प्रतिभा वर्मा के अनुसार दोस्तों एग्जाम क्लियर करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू ऑप्शन सब्जेक्ट का चुनाव है। उन्होंने दोस्तों भौतिकी को अपना ऑपरेशनल सब्जेक्ट चुना था। आखिरकार दोस्तों उनकी मेहनत काम आई और 2019 में दोस्तों उन्होंने आईएएस की परीक्षा क्लियर की। आपको बता दें दोस्तों, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के बल पर प्रतिभा वर्मा ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 में दोस्तों ऑल इंडिया थर्ड रैंक प्राप्त किया। और अगर दोस्तों बात करें महिला की, तो वह महिला के लिए फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ था उन्हें। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों उनके माता पिता, तो दोनों वह शिक्षक थे। प्रतिभा ने दोस्तों अपनी शुरुआती शिक्षा जो है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से की थी और दोस्तों अपनी स्कूली शिक्षा पूरा करने के बाद दोस्तों उन्होंने आईआईटी परीक्षा में भाग लिया। इस परीक्षा में दोस्तों सफलता प्राप्त करने के बाद प्रतिभा ने दोस्तों आईआईटी दिल्ली से बीटेक में प्रवेश ले लिया। आईआईटी से दोस्तों बीटेक करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में लगभग वह दोस्तों 2 साल दोस्तों इन्होंने वोडाफोन कंपनी पर मैनेजर के तौर पर काम किया। हालांकि दोस्तों इस दौरान भी इनका लक्ष्य हमेशा की तरह दोस्तों सिविल सेवा में जाने का ही रहा। महिला सशक्तिकरण के लिए दोस्तों काम करने वाले एनजीओ के साथ दोस्तों काम करने के बाद इन्हें पता था कि ऐसा एक क्षेत्र है दोस्तों जिसमें वह भविष्य में काम करना चाहेंगी और उस सपने को साकार करने के लिए दोस्तों उन्होंने आईएएस परीक्षा की तैयारी शुरू की और दोस्तों वह सफल रही और उन्होंने अपना सपना पूरा किया। लास्ट में यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको पहले काबिल बनना पड़ेगा। कहते हैं ना, कोशिश ऐसी करो और इतनी ज़्यादा करो कि हार आपसे कहे कि मैं चलती हूँ, यहाँ तो सिर्फ जीत की जगह है। इसी नाम को कहते हैं दोस्तों हौसला। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी ना हो तो डिसलाइक करें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसे नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।